एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को टीकमगढ़ जिले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कई घोषणाएं की। इस दौरान उन्होंने कहा कि टीकमगढ़ जिले के ग्राम छिपरी का नाम अब मातृधाम होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नाम बदलने को लेकर घोषणा की थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मातृधाम को पर्यटन केंद्र में भी विकसित किया जाएगा। टीकमगढ़ जिले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि क्षेत्र में उद्योग धंधों को विकसित करने के लिए सरकार की ओर से सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। इसी के साथ ही प्रदेश की अलग अलग योजनाओं के तहत मुख्यमंत्री यादव ने विभिन्न राशि को ट्रांसफर किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मुझे इस बात का आनंद है कि आज यहाँ ऐसा जगमगाता धाम बना है। परमात्मा करे पूरा प्रदेश ऐसे ही आनंदमय रहे। ये मैं महाराज जी से आशीर्वाद चाहता हूँ, ये कृपा आपकी बनी रहे। आज के शुभ अवसर पर हमारे इसी कार्यक्रम में प्रदेश भर के लोग जुड़े हुए हैं। पूरे प्रदेश की लाडली बहनों के लिए 1,29,00,000 हितग्राहियों को 1,574 करोड़ की राशि उनके खाते में डाला गया है। पूरे प्रदेश के अंदर आज ये एक नया इतिहास बना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान 450 रुपए में गैस सिलेंडर रिफिल योजना के अंतर्गत प्रदेश की 24,00,000 से अधिक बहनों के खातों में 41 करोड़ से अधिक की अनुदान राशि का अंतरण किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए तालियां भी बजाई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली बहनों को कोई कष्ट ना हो, इसलिए राशि अंतरण करने का फैसला किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 24,00,000 से अधिक कनेक्शन धारी बहनों के खाते में 41 करोड़ की राशि डालने का निर्णय हमारे सिंगल क्लिक के माध्यम से हुआ है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत 81,00,000 से अधिक किसानों को 1630 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी गई। मुझे इस बात का आनंद है, आज के उस अवसर पर यहाँ पर ये पूरे आनंद के साथ जैसा जगमगाता धाम बना है, परमात्मा करे पूरा प्रदेश ऐसे आनंद में डूबे, ये महाराज जी से मैं आशीर्वाद चाहता हूँ, ये कृपा आपकी बनी रहे। आज के इस अवसर पर हमारे इसी कार्यक्रम में जो प्रदेश भर के लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जैसे बहनों से हमारा अपना रिश्ता, मैंने पहले भी कहा है कि मातृधाम के अंदर आऊंगा तो यहाँ प्रदेश की सौगात मिलना चाहिए। आपने कहा कि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होना चाहिए, तो आज से ही होना शुरू हो गए। पूरे प्रदेश की लाडली बहनों के लिए 1,29,00,000 हितग्राहियों को 1,574 करोड़ की राशि का अंतरण उनके खाते में डाला गया है। पूरे प्रदेश के अंदर आज एक नया इतिहास बना है। हमारे अपने इसी मंच से प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस के आधार पर ये जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ताली बजा करके, जिन्होंने गरीबों के घर में भी गैस का चूल्हा होना चाहिए ये कल्पना की है। और हमने कहा कि जो गैस की टंकी के लिए गरीबी रेखा के नीचे वाली बहनें हैं, उनको कष्ट ना हो, तो ऐसी बहनों के लिए एलपीजी गैस, जो गैर पीएम उज्ज्वला कनेक्शन धारियों को गैस रिफिल करने के लिए, उनके लिए भी राशि अंतरण करने का आज हमने निर्णय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगभग 24,00,000 से अधिक कनेक्शन धारी बहनों के खाते में 41 करोड़ की राशि उज्ज्वला गैस की भी डालने का अभियान निर्णय हमारे सिंगल क्लिक के माध्यम से हुआ है। सभी बहनों के लिए ताली बजा के अभिनंदन करें।